छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो दिन पूर्व लापता हुई सगी बहनों में से एक का शव शुक्रवार को मिल गया है। आपको बता दें कि जबकि दूसरी बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। दोनों बहनें बुधवार रात अपनी मानसिक रोगी माँ के साथ सो रही थी। अगले दिन सुबह परिजन उठे तो दोनों बच्चियां गायब थी। वहीं ग्रामीणों और परिजनों की मदद से पूछताछ में महिला ने बताया कि वह खुदकुशी करने के लिए गई थी। नदी में कूदने के बाद डर गई तो वह घर आकर सो गई थी। घटना पंचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि पंचपेड़ी क्षेत्र के आम गांव साकेत में रहने वाले गौतम निषाद किसान की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी आरवी निषाद 4 वर्ष की और छोटी बेटी अनिका 2 वर्ष की है। बुधवार रात दोनों घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। वहीं गुरुवार की सुबह होने पर पता चला कि दोनों बच्चियां घर से गायब है। काफी तलाश करने के बाद बच्चियों का कुछ भी पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में सामने आया कि तड़के उनकी मां ने संदिग्ध हालत में घर लौटी और सो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस को संदेह था कि उनकी मां ने ही बच्चियों के साथ कुछ किया है। इस पर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ ही महिला से भी पूछताछ की। काफी प्रयास बाद परिजनों की मदद से पूछताछ में महिला ने बताया कि वह दोनों बेटियों को साथ लेकर सुसाइड करने गई थी। दोनों बच्चियों के साथ नदी में कूद गई। पानी में कूदने के बाद वह डर गई और तैरते हुए बाहर निकल आई और इसके बाद घर लौटी और आकर सो गई। वहीं महिला ने बताया कि नदी में पानी का बहाव कम था जिससे वह तैरकर बाहर आ गई, लेकिन दोनों बच्चियां बह गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और नदी में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। तमाम कोशिशों के बाद बड़ी बच्ची आरवी का शव केकड़ी एनीकट के पास मिल गया, जबकि दूसरी बच्ची का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।